आज आपका इंडिया न्यूज 28 में आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरें। झारखंड के मैथन में जेपीएससी को सुचारू करने की मांग को लेकर मैथन में छात्रों ने निकाला विरोध जुलूस। जेपीएससी में नियुक्त नहीं होने तथा न्यायालय में नियुक्त लंबित रहने से हताश जेपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों ने मैथन में विरोध जुलूस निकाला। जुलूस बीएसके कॉलेज मैथन से होते हुए मेन गेट तक गया, जहां छात्रों ने वी नीड वैकेंसी, मुख्यमंत्री कृपया जेपीएससी की समस्या पर ध्यान दें, जेपीएससी में धांधली एवं घोटाला बंद हो, झारखंड में जेपीएससी की परीक्षा नियमित हो सहित अन्य तख्ती लेकर जुलूस में शामिल हुए। मौके पर उपस्थित कोचिंग सेंटर के संचालक अशीम झा ने बताया। नॉर्थ छोटा नागपुर मंडल ब्यूरो आजाद अंसारी की रिपोर्ट। जेपीसी का जो वैकेंसी है 2016 अपला आउट किया गया था, वो पूरी तरह से हम लोगों के फेवर में नहीं आई। हम लोगों ने एग्ज़ाम दिए 2019 में, इंटरव्यू मेरा सब निकल, रिटर्न उधर सब निकल गया था। उन्होंने मतलब मेंस से एग्ज़ाम दिए, मेंस में हम लोग अच्छा किए, लेकिन वो क्या रिजेक्ट कर दिए। हम लोग मुख्य कहना चाहते हैं कि हम लोग क्या दिन स्ट्रगल करेंगे, क्या दिन पढ़ेंगे, या उम्र कौन सीमा होती है सर। ये सब देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया कि आने वाले जो पीढ़ी है उन लोगों के लिए अच्छा कुछ है। हम लोग तेज मोटा मोटा चले गया, जो भी है कुछ एक दो तीन साल और रहेगा। तो मुख्यमंत्री जी से हम लोग कहना चाहते हैं कि जो भी है अपने हिसाब से वो पक्ष में काम करें। झारखंड बना है तब से लेकर अभी तक जेपीएससी की जो नियुक्ति है वो बहुत कम हो पाई है, और हम लोग इतने दिन से लगे हुए हैं और इसका नियुक्ति आ नहीं रहा है, तो जिसकी वजह से हम लोग कभी कभी होता है कि हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं पढ़ाई से। पढ़ाई से हमें मन नहीं लग रहा है कि हम लोग बस मेहनत किए जा रहे हैं और बदले में हम लोग को मतलब वैकेंसी आ ही नहीं रही, तो फिर पढ़ने का क्या मतलब है। इस चीज़ को दूर करने के लिए आज हम लोग मुख्यमंत्री जी से मतलब अपने उन तक अपना बात पहुंचाना चाहते हैं कि कृपया इस पर भी ध्यान दीजिए और नियुक्ति को जल्द से जल्द और थोड़ा जल्दी जल्दी लाने की कोशिश करें। हम लोग झारखंड सरकार से ये चाहते हैं कि अन्य समस्याओं की भांति स्टूडेंट की समस्याओं की ओर भी अपना ध्यान आकर्षित करें, और आज 6 वर्षों में जेपीएससी की एक ही वैकेंसी पूरी हो पाई है, जिस पर भी अभी भी जांच और कई सारे विवाद उसके जुड़े हुए हैं। ये छात्र हैं, छोटे से कस्बा है हमारा मैथन, और मैथन में बहुत सारे छात्र पढ़ने को उत्साहित हैं और अपने झारखंड में झारखंड प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करते हुए आर्थिक और सामाजिक, और छोटा सा कस्बा होने के कारण बहुत अन्य समस्याओं का सामना करते हुए भी अपने तन मन धन से लगे हुए हैं जेपीएससी की तैयारी में, परंतु वैकेंसी का न आना, वैकेंसी में धांधली घोटाला, इन सब कारणों से इन लोग हतोत्साहित हो रहे हैं। तो हम लोग मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। आज झारखंड स्थापना दिवस है, और स्थापना दिवस जो हुआ था हम लोग के समय हम लोग में एक उत्साह था कि नहीं, झारखंड एक अलग स्टेट बन रहा है, हम लोग के लिए रोजगार, वैकेंसी, नियमित जेपीएससी, जेएसएससी, इन सब परीक्षाएं आयोजित होगी। लेकिन आज 6 वर्ष 7 वर्ष 10 वर्ष जो भी है, इन वर्षों में देखा जा रहा है, स्थापना का तो 20 वर्ष हो गया, लेकिन इधर बीच के 10 वर्षों में जागरूकता बढ़ी है, देख रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हासिल हो रहा है। इसलिए आज जो हम लोग यहाँ मैथन पोस्ट ऑफिस में जुड़े हैं सारे विद्यार्थी यहाँ पर जमा हुए हैं जेपीएससी के, इन लोग बिरसा मुंडा जी को श्रद्धांजलि देंगे, चूंकि झारखंड स्थापना दिवस है, लेकिन एक शोक और एक ग्रुप के साथ काला पट्टी भी लाए हैं, सभी काला पट्टी बांध के देंगे कि ये हम लोग मुख्यमंत्री महोदय से संदेश मुख्यमंत्री महोदय तक भेजना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय जी, आपका सरकार बना हुआ 1 साल हो गया, कृपया जेपीएससी की जो समस्याएँ हैं मूल समस्याओं का निदान करें। हमें आप जैसे युवा मुख्यमंत्री से, हेमंत सोरेन जी युवा मुख्यमंत्री से बहुत सारे उम्मीदें हैं, और चाहूँगा कि सारे स्टूडेंट का उम्मीदों पर वो खरा उतरे, और हम लोग इस समस्या को इससे